हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम का ज्ञान इंस्ट्रूमेंट में। सो आज का हमारा टॉपिक है सीमेंस नॉन कॉन्टैक्ट रडार के बारे में। सो आप वीडियो में आपको मैं नॉन कॉन्टैक्ट रिमेंस रडार टेबल ट्रांसमीटर में आप कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, रेंज कैसे डालते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हो, हमारे पास इस टाइप का एक सीमेंस टाइप का एक रडार लेवल ट्रांसमीटर है। इसका मॉडल नंबर है LR250। हॉर्न टाइप हमारे पास एक रडार लेवल ट्रांसमीटर है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में उतार तो नहीं देखा। का हैंडहेल्ड कम्युनिकेटर है जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सी के जो राइट साइड में वो आपका होम सब फंक्शंस है, मेनूज और सब कुछ मिल जाएगा। उसके बीच वाला जो डायरेक्ट एंटर करके आप मेनू के अंदर जा सकते हो, और नीचे वाला जो बटन अप डाउन शिफ्ट प्रेस करके एंटर बटन का प्रेस करने के लिए आप 300 mm के डिस्टेंस में उसको आप रखना पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम क्या रहा था, -3.4% दिखा रहा था लेवल, लेकिन एक्चुअल में वो 10 से 11% था। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, एंटर के प्रेस करके आप क्या करेंगे, क्विक स्टार्ट में जैसे बटन प्रेस करें क्विक स्टार्ट में आ जाएंगे। क्विक स्टार्ट में वापस एंटर करने क्विक स्टार्ट विजार्ड आ जाएगा। तो इसमें हम लोग लो कैलिब्रेशन पॉइंट हाई कैलिब्रेशन पॉइंट डालेंगे, तो आपका यहाँ पे कैलिब्रेशन मतलब जो भी आपका रीरेंज आपको करना है वो इजीली कर सकते हो और आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी 10 से 11% दिखाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा, मेटेरियल है जो हमारा लिक्विड है, नॉर्मल लिक्विड है, एक सॉल्यूशन से रेस्पॉन्स हम लोग ने फास्ट रखा हुआ है। अब नीचे आप देखते बैक नेक्स्ट एडिट और कैंसिल, तो एरो बटन प्रेस करके आपको अंदर आ जाए। यूनिट्स में आपका मीटर है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है वो डाल के रखा हुआ, उसको मैं रीरेंज करूँगा। अभी ऑपरेशन आपका लेवल है, आपका लो कैलिब्रेशन पॉइंट 2.7 मीटर में डाल के रखा हुआ पहले से। सो अभी उसके हिसाब से हमारा रॉन्ग दिखा रहा है, -3.4% लेवल दिखा रहा है। हाई कैलिब्रेशन पॉइंट 0.2 डाल के रखा हुआ है, इसको अभी हम लोग चेंज करेंगे। आपको दिखा दिया हूँ मैं, के विजार्ड पर नेक्स्ट डाल के आप कंप्लीट कर दोगे और बैक करके बाहर आ जाओगे। अभी आपको वापस मैं क्विक स्टार्ट विजार्ड में आ गया हूँ, बैक बटन दबा के सेटअप कॉमन वापस इजीली आ गया है। मेटल आपका देख सकते हैं, अब लिक्विड है। अभी एंटर बटन प्रेस करके आपको वापस अप डाउन बटन प्रेस करेंगे तो रेस्पॉन्स टाइम आ गया, रेस्पॉन्स रेट फास्ट, यूनिट आपका मीटर में। अभी मैं इसको एंटर बटन जैसे प्रेस करूँगा मतलब मीटर के अंदर जाऊंगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएंगे, मीटर सेंटीमीटर एम एम। तो मैं अभी आपको मिलीमीटर में सेट करूंगा इसको मैं। आप मिलीमीटर में गया, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो मिलीमीटर ले लेगा, एमएम ले लेगा, तो एमएम आ गया यहाँ पे। अभी आपको एंटर अभी डाउन बटन प्रेस करके आपको ऑपरेशन आपका लेवल है, लेवल में चेक करना है, लो कैलिब्रेशन 2700 है, ठीक है। अभी इसको मैं चेंज करूँ, 2.7 मीटर था मतलब 2700 हो गया। अब इसको मैं जो मैं लेवल यहाँ पर डालूंगा 3050 डालूंगा, क्योंकि मेरी जो टैंक हाइट है 2900+150 2900 पूरे टैंक की हाइट और 150 नोजल की हाइट, इट मीन्स 3050 है। मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से आपका बॉटम में 0% लेवल जो है वहाँ तक का मेरे को डाल देना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में आपको बता दूंगा कैसे इसका सेटअप करते हैं, सीमेंस रडार लेवल ट्रांसमीटर। हनीवेल वाले में लास्ट वाले में मैंने आपको बता दिया था कि पेपर पर ड्रॉ करके किस हिसाब से आपको चार वैल्यू डालना है। यहाँ पे आप लो कैलिब्रेशन पॉइंट आपका डाल दिए 3050, अभी हाई कैलिब्रेशन पॉइंट वहाँ पे पहले कितना पड़ा हुआ था हाई कैलिब्रेशन में, अभी आपको दिख जाएगा 200 mm जितना है अभी, मतलब इट मीन्स 0.2 मीटर के हिसाब से 200 mm। अब इसको मैं आपको 610 डाल दूँगा, मैंने 80% लेवल आपको रखा हुआ है, 3050 का 80% कितना हुआ 610 mm। आपको रेफरेंस से ही पकड़ के चलना है कि रेफरेंस जो है, रेफरेंस मतलब रडार का जो फ्लैंज है वहाँ से रेफरेंस पकड़ के चलना है, तो वहाँ से हाई कितना डिस्टेंस पर वो आपको डाल देना है। तो इस हिसाब से 610 और 3050 में डाल दिया, बैक करके अभी क्विक स्टार्ट में अभी वापस आ गए हैं। क्विक अभी बैक बटन दबा के वापस बाहर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो हमारा जो एक्चुअल लेवल है, पहले -3.4 दिखा रहा था, लेकिन अभी एक्चुअल हमारा क्या है, पहले जो है दोनों साइड कितना -3.4 दिखा, जो गलत दिखा रहा था। एक्चुअल में 10% डीप लेवल हम लोग चेक किया तो 10% लेवल उसमें था, तो 10% दिखाना चाहिए। अभी बैक बटन दबा के हम बाहर जाएंगे,
आप देख रहे हैं आप फ्लैंज, वहाँ से वो लोग रेफरेंस पॉइंट हमको पकड़ना है। आपका नेक्स्ट वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा, मैं हैंड ड्रॉ करके आपको बता दूंगा। बैक बटन दबा के बाहर आ गया, अभी आप देख सकते हो 10.78 दिखा रहा है, जो एक्चुअल में हमारा 11% था उसके हिसाब से सही दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप लो कैलिब्रेशन पॉइंट और हाई कैलिब्रेशन पॉइंट दो ही पॉइंट इसमें डालते हैं, सो आपका कैलिब्रेशन हो जाता है, इसी हिसाब से आपका आ जाना चाहिए एक्चुअल लेवल जो भी है। आपने अभी यहाँ पे देखा रडार में कैसे कैलिब्रेश कैसे आपका रेंज डालते हैं, इसमें खाली दो ही चीज़ डालना पड़ता है, लो और हाई कैलिब्रेशन के लिए दो ही पॉइंट डालते हैं। कैसा वीडियो लगा हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मैं आपको बताते रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।